हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप घर बैठे ही फ़ोन पे द्वारा अपनी बाइक या अपनी कार का इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, सभी जगह लॉकडाउन है और कोई भी शॉप ओपन नहीं है, तो आप घर बैठे ही फ़ोन पे द्वारा अपना इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको आना है नीचे। नीचे आने पर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे बाइक इंश्योरेंस एंड कार इंश्योरेंस। तो हम बाइक का करने वाले हैं, तो बाइक वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटर योर बाइक नंबर, यहाँ पर आपको अपनी बाइक का नंबर भरना है। जो भी आपका बाइक का नंबर है, जो बाइक की नंबर प्लेट पर होता है, सेम वही नंबर आपको यहाँ पर भरना है। चलिए हम यहाँ पर भर लेते हैं। कोई भी आपको अंक यहाँ से नहीं छोड़ना है। जो भी जिस तरीके से भी आपकी नंबर प्लेट पर होता है, सेम वही आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपनी बाइक सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी जो बाइक है आपके पास कौन सी है, ठीक है। तो वही हम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आपको भी इसी तरीके से सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक। तो हम यहाँ पर अपनी बाइक जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी है डीलक्स। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपकी जो बाइक है कौन सा मॉडल है। तो यहाँ पर हम मॉडल भी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है हैज़ यूअर पॉलिसी एक्सपायर्ड। जो आपका इंश्योरेंस पहला है वो एक्सपायर हो चुका है या फिर अभी कुछ बाकी है, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। तो मेरा अभी जो बाकी है तो यहाँ पर एक्सपायर नहीं हुआ है, तो मैं नो करूँगा। उसके बाद व्यू वाले ऑप्शन पर आपको नीचे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर प्लान शो हो जाएंगे, जो भी आप प्लान सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो है, अगर आप करना चाहते हैं ज़ीरो डे, यानी आपको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर थर्ड पार्टी भी कर सकते हैं या फिर ज़ीरो डे वाला भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ईयर मिल जाएगी, एक साल के लिए आप इसको कर सकते हैं, एक साल के लिए ही मिनिमम होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है मिल जाता है आपको यहाँ पर रिलायंस एंड बजाज, कि आप किसी भी कंपनी से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 852 रुपये, नीचे आपको मिलता है 949 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपना प्राइस हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगता है। उसके बाद अगर आप इसके बेनिफिट्स चेक करना चाहते हैं, तो आपको व्यू बेनिफिट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने जो भी इसके बेनिफिट्स है सभी यहाँ पर शो हो जाएंगे, जो भी आपको इसके अंदर मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आप रिलायंस लेना चाहते हैं, यहाँ पर आपको अगर आपकी बाइक को कुछ भी होता है आपको मिलेंगे 17,198 रुपये की आपकी बाइक की कीमत यहाँ पर लगाई जा रही है। उसी के साथ आपको यहाँ पर बजाज में मिलता है 21,392 रुपये, ठीक। आप इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर बजाज सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको नीचे सेलेक्ट प्लान वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेलेक्ट प्लान वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही जिसका नाम से भी आरसी है वो यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर शो हो जाएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपकी शो होगी, जिससे भी आपने फ़ोन पे के अंदर लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद नीचे आपको पूरी बाइक की डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पर बाइक नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ठीक है। अगर आपकी बाइक पर लोन है तो आपको यहाँ पर इसे ऑन करना होगा। आई हैव ए बाइक लोन, हमारे पास कोई भी लोन नहीं है तो हम इसको ऑफ ही रहने देंगे। उसके बाद अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर चाहते हैं 15 लाख रुपये का, तो आपको यहाँ पर इसे टिक करना होगा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा 331 रुपये देने होंगे एक साल के लिए, ठीक है। जैसे ड्राइवर को अगर कोई भी दिक्कत होती है, उसको आपको 15 लाख रुपए आपका अलग से जो है यहाँ पर इंश्योरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको टिक कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। उसके बाद आपको यहाँ पर पॉलिसी एक्सपायरी डेट यहाँ पर शो होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाती है। उसके बाद सभी को सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका जो भी बाइक का नंबर है, ओनर नेम है, मोबाइल नंबर आपका शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूरे प्लान की डिटेल आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगी। सभी कुछ डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद आपको बाय प्लान वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। बाय प्लान वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। जिस तरीके से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, UPI से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, जैसे आप ये पेमेंट कंप्लीट करेंगे आपका इंश्योरेंस कंप्लीट हो जाएगा।
और आपके द्वारा जहाँ पर मेल आईडी दी गई है उस पर आपको पीडीएफ के तौर पर मेल के द्वारा आपका जो इंश्योरेंस है उसकी कॉपी आ जाएगी। आप उसको कहीं से भी प्रिंट करा सकते हैं, पीडीएफ में आपको उसके जो फाइल है वो मिल जाएगी, ठीक है। फिर आप उसको किसी भी तरीके से किसी के पास जाकर उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, आपका इंश्योरेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप फ़ोन पे द्वारा घर बैठे ही अपनी कार अपनी बाइक का इंश्योरेंस कर सकते हैं घर बैठे ही अपने मोबाइल से। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी आपका सवाल है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।